हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसवन। अभी हम डिस्कशन करेंगे कला संस्कृति विकास योजना के बारे में। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड हम देखेंगे ये जो है हमारा जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर जो है इसमें कवरअप होता है। सो चलिए देखते हैं, इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में देखेंगे कला संस्कृति विकास योजना। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक इशू किया है गाइडलाइन फॉर द होल्डिंग कल्चरल इवेंट्स एक्टिविटीज़ इन द वर्चुअल और ऑनलाइन मोड अंडर द वेरियस स्कीम कंपोनेंट्स ऑफ द कला संस्कृति विकास योजना, शॉर्ट में KSVY बोलेंगे, ठीक है। जो कि अभी क्या है ना, एक मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो कि एक गाइडलाइन जारी किया है, ठीक है, जो कि जितने भी कल्चरल इवेंट्स होगा एक्टिविटीज होगा वो उसके अंडर आएगा। सो COVID-19 में सबको जो है पूरी जो कि बिजनेस है, कल्चर है, एंड सभी के ऊपर जो है इम्पैक्ट पड़ा है। सो इसमें भी कल्चर में देखेंगे, इसमें आर्ट एंड कल्चर में भी इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि क्या है, सेक्टर इन द पर्सन एग्जीबिशंस इवेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है, ये कैंसिल हुआ या पोस्टपोन हुआ है ड्यू टू COVID-19 के वजह से। सो गाइडलाइंस जो है इसमें क्या रहेगा ना, टू एनेबल द आर्टिस्ट टू अवेल द बेनिफिट अंडर द KSVY इवन इफ दे आर नॉट एबल टू स्टेज प्रोग्राम्स इन द फिजिकल फॉर्मेट एज बिफोर एंड विल एंश्योर द कंटिन्यू फाइनेंशियल असिस्टेंस। सो बेसिकली इसमें जो है ये जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत क्या है, जो कि आर्टिस्ट है, आर्ट एंड कल्चर से जो जोड़ी है आर्टिस्ट हो गया, तो उनका उनके लिए अच्छा जो कि बेनिफिट चाहिए वो अवेल कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, कोई भी फिजिकल COVID-19 में जैसे कि क्या है, फिजिकल का जो कि स्टेज प्रोग्राम है जो कि फिजिकली देते हैं वो लोग, वो नहीं हो रहा है, फिर भी उनको क्या है ना कंटिन्यू फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। कला संस्कृति विकास योजना एक जो है अम्ब्रेला स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर इन द कंट्री। सो ये जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें क्या है ना, मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट मेनी स्कीम्स अंडर द KSVY फिर द ग्रांट्स आर सेंक्शन अप्रूव्ड फॉर द होल्डिंग प्रोग्राम्स एक्टिविटीज के लिए। ये जो स्कीम है, स्कीम ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रमोशन ऑफ द आर्ट एंड द कल्चर के लिए, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द क्रिएशन ऑफ द कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेसिकली इस स्कीम के अंदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है, वो किसके लिए ना, एक तो हो गया प्रमोशन ऑफ द आर्ट एंड कल्चर के लिए, असिस्टेंस जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है फॉर द क्रिएशन ऑफ द कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज विच एम्स टू प्रमोट द 13 इंटेंजेबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को जो बोलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू।